अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हमने इंडेमनिटी का जिक्र किया था और आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज जो है हम गारंटी के बारे में पढ़ेंगे। जरा कुछ और बच्चे मजीद ऑनलाइन हो तो फिर बात आगे बढ़ाते हैं। हालात जिस तरफ जा रहे हैं, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो भी ऑनलाइन हो जाए इस दौरान दिसंबर में। एक बात बिल्कुल गवर्नमेंट ने क्लियर कर दी है कि बैचलर लेवल के एग्ज़ाम हर सूरत होंगे, लाजमी होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो ऑनलाइन हो सकते हैं, कल को एमसीक्यूज बेस्ड भी हो सकते हैं। आपसे शेयर करने का रीज़न ये है कि बस थोड़ा विजिलेंट रहें, कॉन्सेप्ट्स अपने हर सब्जेक्ट में बिल्कुल क्लियर करें, क्योंकि कल को अगर एमसीक्यूज बेस्ड पेपर हो जाता है तो उसको क्लियर करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बराबर में कोई बैठा हुआ नहीं होगा जिससे आप मशवरा करें। और ऑनलाइन में होता यह है कि बहुत जल्दी जल्दी वो एमसीक्यूज ऑनलाइन खुद ब खुद चेंज हो रहे होते हैं और एक लिमिटेड टाइम के अंदर आपको आंसर देना होता है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, इतना बहरहाल आसान नहीं होता। तो ये चीज भी जरा ख्याल रखिएगा। बस बताने का मकसद ये था कि क्लास लेते रहें, याद करते रहें, तैयारी करते रहें। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं वो है गारंटी। गारंटी को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन में मैं लिख देता हूं, डिफाइन गारंटी एंड एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल्स। डिफाइन गारंटी एंड एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल्स, ये सवाल है। तो सबसे पहली हेडिंग है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इसे मीनिंग है और एसेंशियल्स हैं, ठीक है जी। तो सेक्शन 126 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 व्हिच डील्स विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हैज डिफाइंड इट एज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है कि ये एक ऐसा मुआहदा है जिसमें आप, ये एक ऐसा मुआहदा जिसके अंदर आप वादा पूरा करने की गारंटी लेते हैं, वादा पूरा करने का जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करते, मुआहदा करते हैं, ठीक है जी। किसका वादा? किसी और का वादा पूरा करने का मुआहदा करते हैं, किसी और की गारंटी पूरा करने का वादा करते हैं, और किसी और की ने जो परफॉर्मेंस करना था या पैसे अगर आपके अदा करने थे तो वो थर्ड पार्टी ने बेसिकली देने थे, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ दैट थर्ड पार्टी यू आर गोइंग टू प्रॉमिस, आप एक थर्ड पार्टी की बिहाफ पर प्रॉमिस कर रहे होते हैं, सही है। अच्छा जी, तो एक गारंटी कैसा मुआहदा है कि वादा किसी और ने किया होता है, आप ये कहते हैं कि ठीक है जी अगर वो वादा पूरा नहीं करता then I will pay the price, मैं उसके बदले में मैं जो है वो वादा पूरा करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, similarly example इसकी हम ले लेते हैं, हाथ के हाथ लिखते रहें अगर आप लोग पेंसिल रजिस्टर लेके बैठा करें, और रिकॉर्डिंग बस एक ही बार आपने सुननी है, कोशिश किया करें कि हाथ के हाथ ही जब क्लास हो रही है, जब भी आप सुने, जब भी आप लिख लिखा के फारिग हो जाए कि हाथ क्या, ठीक है ना। मतलब ऐसा ना हो कि पहले आप एक बार मतलब क्लास में के हिसाब से आप देखें फिर दोबारा दोबारा दोबारा, इतना डोंट वेस्ट टाइम। एक लेक्चर बस एक बार ऑनलाइन आपने आके दे लिया, वो डेट इज द बेस्ट, ठीक है ना। कोई सवाल समझ में नहीं आता आप इस वक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। प्लस ये कि दोबारा सुनने से बेहतर कि जो आपने लिखा है उसको याद करें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है ना।
ऑल्दो मैं भेज रहा हूँ आपको रेगुलरली वीडियोस वगैरह जो भी है। अच्छा जी, एग्जाम्पल हमने लेते हैं ए, मिस्टर ए, ए जो है मिस्टर, कोई बंदा ए उसका नाम रख दिया उसका, मिस्टर ए एडवांसेस लोन ऑफ ₹10,000 टू बी एंड सी प्रोमिसेस ए डैट इफ बी डज नॉट रिपे द लोन आई विल रिपे इट। ठीक है ना, दो मैं आपको जरा बहुत स्लो स्लो समझाता हूँ। एक बंदा ए, उसने लोन दिया ₹10,000 बी को, दो बंदे हुए, ए ने लोन दिया बी को, ए ने बी को लोन दे दिया। अब तीसरा बंदा आ गया सी, सी ने कहा ए को कि अगर बी ने पैसे बी को आप उधार दे रहे हैं, मिस्टर ए आप मिस्टर बी को उधार दे रहे हैं, मैं मिस्टर सी अगर बी आपके पैसे वापस नहीं करता तो मैं आपके पैसे आपको वापस दे दूंगा। यानी कि पैसे ए ने दिए हैं बी को, लेकिन सी बीच में एज अ थर्ड पार्टी आता है और ये कहता है कि अगर वो पैसे आपके नहीं देगा देन आई एम हियर, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, और अगर वो पैसे आपके नहीं देता है तो मैं आपके पैसे दे दूंगा। ठीक है जी, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इट इन्वॉल्व थ्री पार्टीज। ये इसमें कितनी पार्टीज होती है, थ्री पार्टीज होती है। श्योरिटी, हु गिव्स द गारंटी, ठीक है, इसके अंदर कौन है, ये मैं आपकी समझाने के लिए लिखता हूँ, मिस्टर सी। श्योरिटी, हु गिव्स द गारंटी, वो बंदा जो गारंटी देता है वो कौन होता है, वो मिस्टर सी होता है। श्योरिटी जो गारंटी देता है वो मिस्टर कौन होता है, वो मिस्टर सी होता है। सही है जी। प्रिंसिपल डेप्टर, प्रिंसिपल डेप्टर, एक्सक्यूज मी आई गॉट अ कॉल। अच्छा, श्योरिटी हु गिव्स अ गारंटी, ये बात हो गई। प्रिंसिपल डेप्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन, प्रिंसिपल डेप्टर इन रिस्पेक्ट हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन। प्रिंसिपल डेप्टर वो बेसिकली मिस्टर बी है, प्रिंसिपल डेप्टर बेसिकली मिस्टर बी है, जिसने उधार जो है वो लिया है। बेसिकली प्रिंसिपल डेप्टर उधार लेने वाला, क्रेडिटर टू होम गारंटी इज गिवन एंड बेसिकली ही इज लेंडर एंड मिस्टर ए इन एग्जाम्पल। ठीक है जी, तो ये हो गया मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, तीन बंदे हो गए इसके अंदर। आई होप कि आपने लिख भी लिया, थोड़ा सा स्पीड थोड़ी बढ़ाएंगे तो लिख लेंगे, जरा मुझे कोई कंफर्म करे कि आपने लिख लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने, पूरा लिख लिया एग्जाम्पल तक? क्वेश्चन दिखा देते हैं। Define guarantee and explain its essentials. ये सवाल है। Define guarantee and explain its essentials. Now essentials of contract of guarantee की heading आएगी। इसमें एक जुमला लिखेंगे। Following are the different essentials of contract of guarantee. Following are the different essentials of contract of guarantee. Number one. Concurrence of all the parties, all the three parties, namely the principal debtor, the creditor, and the surety, must agree to make such a contract. Concurrence या consent of all the parties, ये हम इसको कर सकते हैं।
ठीक है ना, एक आसान सा लफ्ज है वो इसमें फ्री कंसर्न कह सकते हैं, यानी कि जो तीनों पार्टीज हैं वो तीनों अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो, ठीक है ना, साथ साथ लिखते रहिएगा। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा ना हो कि किसी को जबरन मजबूर किया गया हो, कोई और वजह हो, तो थिंग इज डैट के ही मस्ट बी रेडी बाय हिमसेल्फ, अपनी मर्जी से बिल्कुल तैयार होना चाहिए। सही है जी, तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हेडिंग लायबिलिटी। लायबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज सेकेंडरी, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी वो क्या होगी, सेकेंडरी होगी। सेकेंडरी मतलब दूसरे नंबर पर होगी। पहले नंबर पर जो बेसिकली गारंटी है, पहले नंबर पर जो बेसिकली गारंटी है वो किसकी है, वो तो उस बंदे की है, ठीक है ना, वो तो उस बंदे की है जिसने लोन लिया है। अगर जिस बंदे ने लोन लिया है अगर वो लोन वापस नहीं करता, ठीक है जी, अगर वो लोन वापस नहीं करता तब जाकर जिम्मेदारी श्योरिटी या गारंटर की आएगी। श्योरिटी भी उसी को कहते हैं और गारंटर भी उसी को कहते हैं जो गारंटी लेता है। द क्रेडिटर मस्ट फर्स्ट प्रोसीड अगेंस्ट द डेप्टर, तो क्रेडिटर को सबसे पहले क्या करना चाहिए, फर्स्ट प्रोसीड अगेंस्ट द डेप्टर। सबसे पहले वो क्या करेगा, प्रोसीड करेगा अगेंस्ट द डेप्टर, डेप्टर की तरफ। एंड इफ द लेटर डज नॉट परफॉर्म हिज प्रॉमिस, और अगर वो अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करता है, देन ओनली ही कैन प्रोसीड अगेंस्ट द श्योरिटी। तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो प्रोसीड करेगा अगेंस्ट द श्योरिटी। क्रेडिटर सबसे पहले जाएगा डेप्टर के पीछे, भाई तुमने मेरा उधार लिया था तुम मुझे पैसे वापसी दो। हर मुमकिन वो कोशिश करेगा कि वो डेप्टर से ही अपने पैसे निकलवाए। लेकिन इन केस अगर वो डेप्टर से अपने पैसे निकलवाने में नाकाम हो जाता, ठीक है जी, डेप्टर से अगर वो अपने पैसे निकलवाने में नाकाम हो जाता है तब जाकर वो पकड़ेगा किसको, गारंटर को पकड़ेगा, ठीक है जी। तो ये चीज इसके अंदर बताई गई, आई होप कि बात आपके समझ में आई होगी। अच्छा जी, एग्जिस्टेंस ऑफ अ डेट नंबर 3। एग्जिस्टेंस ऑफ अ डेट कहते हैं बेसिकली उधार की मौजूदगी, यानी उधार उसके अंदर जरूर शामिल होगा। सही है जी, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लायबिलिटी विच इज एनफोर्सेबल एट लॉ। इफ नो सच लायबिलिटी एग्जिस्ट देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, यानी कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी प्री सपोजेस दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी व्हिच इज एनफोर्सेबल एट लॉ, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बुनियाद कोई वो है, बुनियाद ही उधार है। कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो रहा है तो भाई किस लिए हो रहा है, उधार की वजह से हो रहा है, व्हिच इज एनफोर्सेबल एट लॉ। और कौन सा उधार होगा, कानूनी उधार होगा, जिसको कल को उस उधार को उस डेट को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। If no such liability exists, अगर ऐसी कोई liability exist नहीं करती है, there can be no contract of guarantee. और फिर इसका मतलब ये होगा कि कोई contract of guarantee है ही नहीं, ठीक है ना। Thus, where the debt which is sought
to be guaranteed is already time barred or void, the surety is not liable. Yani agar koi aisi situation hai, ठीक है, तो अगर कोई उधार ऐसा है जिसकी गारंटी ली गई थी लेकिन वो पहले ही टाइम बार्ड हो चुका है, अगर कोई ऐसा उधार है जो पहले ही टाइम बार्ड हो चुका है, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी. मिसाल के तौर पर, ठीक है, मिसाल देते हैं आपको. बात ये है कि टाइम बार्ड बहुत दिनों बाद आया, लफ्ज बहुत पहले आया था और अभी आया. थोड़ा सा ये बताता हूँ आपको, टाइम बार्ड यकीनन कुछ बच्चों को यकीनन याद भी होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिव्यू करना चाहूंगा. टाइम बार्ड उस पैसे को कहा जाता है, टाइम बार्ड उस पैसे को कहा जाता है कि जो आपने अदा करना था, और लेकिन जो जिस बंदे ने उधार दिया था उसने 3 साल तक 1096 दिन तक लगातार आपसे पैसों की डिमांड की ही नहीं. तो अगर 3 साल तक पैसों की डिमांड ना की जाए तो वो ऑटोमेटिकली टाइम बार्ड हो जाता था, यानी अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि वो क्या हो गया, क्योंकि वो टाइम बार्ड हो गया. अगर कोई पैसा टाइम बार्ड हो जाता है तो गारंटर भी उसमें जिम्मेदार नहीं होगा, ये इसमें इस हेडिंग में बताया गया. ठीक है जी. नेक्स्ट इज कंसिडरेशन. Consideration hearing लिखिए, there must be consideration between the creditor and the surety so as to make a contract enforceable. The consideration must also be lawful. यानी अगर कोई आपकी गारंटी ले रहा है तो भाई क्यों ले रहा है गारंटी, कोई तो वजह होनी चाहिए. ठीक है, नंबर वन वो exceptions to consideration मेरा एक लेक्चर है, जरूर आपके पास होगा, आप दोबारा देख सकते हैं ग्रुप में जाकर वगैरह वगैरह. तो उस लेक्चर में जो था मैंने बताया था कंसिडरेशन का होना जरूरी. सिर्फ चंद ऐसे रिश्ते हैं जिसके अंदर कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं. ऐसे रिश्ते कौन से, माँ बाप, बहन भाई, और बहुत ही करीबी कोई दोस्त वगैरह या हस्बैंड वाइफ वगैरह, ठीक है ना, दे आर द रिलेशंस के जिसमें बदले का होना जरूरी नहीं. इसके अलावा जितने भी रिश्ते होते हैं उन सब में बदला जरूरी होता है. अगर वो जो बंदा गारंटी आपकी ले रहा है वो आपका बाप नहीं है, भाई नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, फिर भी अगर वो गारंटी आपकी ले रहा है तो अदालत आपसे ये पूछेगी भाई क्यों वो बंदा आपकी गारंटी क्यों ले रहा है. आ रही बस देन यू विल हैव टू आंसर कि भाई उसकी वजह ये थी वगैरह. सही, ओके, आगे बढ़ते. अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में इधर भी ओरल, नेक्स्ट हेडिंग लिखेगा राइटिंग नॉट नेसेसरी. यानी अगर जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे की साथ साथ लिख रहे होंगे, आई होप सो, और बताते रहिएगा अगर मैं थोड़ा स्पीड से गुजर जाऊं किसी हेडिंग से तो यू कैन स्टॉप मी, आप मुझे रोक सकते हैं, ठीक है ना. वैसे तो बच्चे बड़े सियाणे होते हैं, वो मतलब क्या होता है वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ये भी पॉसिबल है ना. हाथ क्या हाथ, तैमूर भाई भी हैं माशाल्लाह से आज ऑनलाइन. ओके, तो राइटिंग नॉट नेसेसरी. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में इधर भी ओरल और रिटन
इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, यानी कि ये रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज, पार्टीज की मर्जी, जैसे पार्टीज चाहेंगी वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई कबाहत नहीं होती, जैसे चाहेंगे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सही है जी, ओके, अ कॉन्ट्रैक्ट गारंटी मस्ट ऑलवेज बी इन राइटिंग, नोट में करके लिखना है आपने अंडर इंग्लिश लॉ, ठीक है ना। इंग्लिश लॉ जो है बेसिकली वो सिर्फ इंग्लिश लॉ और इंडियन जो हमारा अपना लॉ है, मतलब जो यहाँ पाकिस्तान में 1872 फॉलो होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इंग्लिश लॉ ने इसको वो कर दिया है कि भाई लाजमी है रिटर्न, जबकि हमारे आज भी ओरल भी जबान की वैल्यू, हमारे बहुत सारे जबान से रिलेटेड मुहावरे भी बड़े मशहूर हैं, जबान से बेटी का पराया हो जाना वगैरह वगैरह, इस टाइप की बातें हमारे यहाँ बहुत होती है, ठीक है ना। तो आपने ये लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट टू गारंटी मस्ट ऑलवेज बी इन राइटिंग अंडर इंग्लिश लॉ, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट मस्ट हैव ऑल द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सच एज ऑफर एन एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, capacity to contract, genuine and free consent, lawful object, lawful consideration, certainty of possibility of performance and legal formalities. लिखें शाबाश। जल्दी से हेडिंग लिख के कंप्लीट करें। लिख लिया होगा आयो, है ना, लिख लिया, चले आगे। डिफाइन गारंटी एंड एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल्स हम पढ़ रहे हैं और इसकी हेडिंग नंबर 6 पर इस वक्त हम मौजूद है, और एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है, वो तमाम जो एक अलग मैंने सेपरेट सवाल पढ़ाया था एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, वो तमाम के तमाम एसेंशियल इसमें होने चाहिए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आई होप लिख लिया होगा आपने, चैट में कोई मुझे बता दे। Next heading is no concealment of facts. No concealment of facts. No concealment of facts का मतलब यह है कि कोई चीज भी छुपी हुई ना हो। The creditor should disclose to the surety the facts that are likely to affect the surety's liability. The guarantee obtained by concealment of such facts is invalid. यानी कि अगर कोई भी चीज छुपा कर अगर कोई गारंटी ली जाए तो उस गारंटी की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना। गारंटी की वैल्यू सिर्फ जब ही होगी जब वो ली जाए प्रॉपर तरीके से। अगर गारंटी कुछ भी कोई चीज कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स मतलब छुपा लेना, मतलब जो बंदा है उसने पहले भी किसी से उधार लिया था और वो छुपा लिया था और यूं कर दिया था और यूं कर दिया था, कोई भी अगर ऐसा कोई इस तरह की बात होगी तो फिर इट कैन नेवर बी अ वैलिड, वो गारंटी नहीं होगी, क्योंकि अगर गारंटर जो गारंटी दे रहा है उससे अगर कोई भी चीज अगर उससे
आपने छुपाई, गारंटर जो गारंटी दे रहा है, कोई भी चीज अगर आपने उसे छुपाई तो अब फिर आपकी वो गारंटी वैलिड नहीं होगी, देयर विल बी नो वैलिड गारंटी। देयरफॉर यू नीड टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। आपको बहुत ज्यादा अच्छा जी, एक स्टूडेंट ने कहा एग्जिस्टेंस ऑफ डेट, दोबारा समझाऊं, थोड़ा सा बताता हूं आपको दोबारा से। एग्जिस्टेंस ऑफ डेट, ये नंबर थ्री हेडिंग थी, एग्जिस्टेंस ऑफ डेट यानी ये गारंटी जब ली जाएगी जब उधार होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ डेट मतलब उधार का मौजूद होना, यानी कि उधार लिया या दिया जा रहा है। तो गारंटी कब आएगी? गारंटी जब ही आएगी जब उधार लिया या दिया जा रहा हो। अगर उधार लिया दिया नहीं जा रहा तो गारंटी नहीं हो सकती। तो एग्जिस्टेंस ऑफ डेट का मतलब क्या है? या तो उधार दिया जा रहा है या उधार लिया जा रहा है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, वरना ये पॉसिबल नहीं। ठीक है जी। द क्रेडिटर शुड डिस्क्लोज टू द श्योरिटी द फैक्ट्स दैट आर लाइकली टू अफेक्ट द श्योरिटीज लायबिलिटी। और क्रेडिटर जो उधार ले रहा है या दे रहा है उसको लाजमी गारंटर को सारी बातें बतानी चाहिए। कोई भी ऐसी बात उसे छुपी हुई नहीं होनी चाहिए जो कि उसके गारंटी लेने या ना लेने के डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है। अगर कोई भी बात उसे छुपाई गई और कल कराकर उसको पता चलती है तो अपनी गारंटी से दस्तबरदार भी हो सकता है और वो ये कोर्ट में चैलेंज कर सकता है कि मैंने जब गारंटी ली मुझे ये पता नहीं था, मुझे बाद में पता चला, क्योंकि मुझे बाद में पता चला तो मैं अपनी गारंटी को वापस लेना चाहता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट इज नो मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, नो मिस रिप्रेजेंटेशन को भी शॉर्ट करता हूँ, थोड़ा ज्यादा हो गया। जरा मुझे ये बताएगा कितनी जगह पर ये आया है, आपने लिखा है। ओके, द गारंटी शुड नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटिंग। ठीक है ना, तो छुपाना अलग चीज है, मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब कुछ गलत बता देना। द गारंटी शुड नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन। कोई भी फैक्ट्स अगर कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन की गई तो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अबरी माय फेदी, ये एक दूसरा लफ्ज है, फ्रेजल है, ऑफ एब्सोल्यूट गुड्स, एब्सोल्यूट गुड फेथ एंड थस डज नॉट रिक्वायर कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द मटेरियल फैक्ट्स बाय द प्रिंसिपल डेब्टर और क्रेडिटर टू द श्योरिटी बिफोर ही एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट। चेंज कर देता हूँ, ये लफ्ज आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। दो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एब्सोल्यूट गुड फेथ एंड थस डज नॉट रिक्वायर कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स बाय द प्रिंसिपल, यानी कि अभी गुड फेथ पर तो होता नहीं है, पैसे लेकर आप गारंटी ले रहे हो तो आप भी तो कुछ इन्वेस्टिगेट करें ना। ठीक है ना। अच्छा, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनजाने में आप गलत उसको बातें बताते हैं अपने बारे में, कोई भी अगर उसको मिसलीड किया गया, गलत इंफॉर्मेशन दी गई तो भी उसकी गारंटी वैलिड नहीं होगी। तो मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? हकाइक को छुपा लेना अनजाने में और सही बात का उसको बंदे को ना बताना, ये क्या होता है? ये मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये सवाल हो जाएगा कंप्लीट अगर आपने ये हेडिंग लिख ली। तो essentials of contract of guarantee का जो सवाल है हमारा, वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो हमने indemnity और guarantee के चैप्टर के तीन सवाल कंप्लीट कर लिए। एक सवाल डिफरेंस बिटवीन indemnity एंड guarantee, दूसरा सवाल डिफाइन indemnity एंड एक्सप्लेन इट्स essentials, तीसरा सवाल डिफाइन guarantee एंड एक्सप्लेन इट्स essentials। ठीक है ना। अगला हफ्ता ईद के बाद हमारी जो क्लास होगी उसमें मैं आपसे इसके पास पेपर्स भी शेयर करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि जो मैंने आपको सवाल पढ़ाए हैं वो किस तरीके से
एग्जाम्स में आए हुए हैं और हाउ दे आर इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। और आखिरी बात इस क्लास में बस यही कि तैयारी करें, डोंट वेस्ट योर टाइम, दिस इज योर लास्ट ईयर ऑफ योर सेंटर। इसी ईयर आपने बस कोचिंग, अल्लाह ना करे आपको दोबारा फीसिस भरनी पड़े, अल्लाह ना करे, इसी साल आपने हर हाल में अपने आप को क्लियर करना है और आपने इंशाल्लाह यूनिवर्सिटीज जाना है, मास्टर्स करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में।